राजा तमाम शिवरात्रि माघ महीने के चतुर्दशी को फर्स्ट पॉइंट आज के दिन शिव जी का लिंग जन्म हुआ था कि मेरा भाग शिव जी के बेटे के हाथ हो। अब शिव जी का तो पत्नी मर गया था, उस टाइम पे बेटा भी नहीं था, तो उसका हाथ होगा कैसे। तो सती भी वो दिन क्या था, माघ महीने का चतुर्दशी दिन था, उस दिन शिव जी और पार्वती जी का ब्याह हुआ। दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, कहते हैं मनाते हैं तो शिव जी ने उस विष को अपना लिया, पी लिए। वो भी दिन क्या था, माघ महीने का चतुर्दशी। तो ये क्या है, टोटल आध्यात्मिक बात है कि माघ महीने का चतुर्दशी दिन हम शिवरात्रि मनाते हैं। इतना बात हो गया। तो आप लोग कितने लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? कोई नहीं जानते हैं। अच्छा, कल फास्टिंग कौन सा रखेंगे इस महाशिवरात्रि के टाइम पे? एक रजनी हो गया, एक लोग रमन, क्या एक कोई डेट पे जो नया में जॉर्जियन कैलेंडर, जॉर्जियन कैलेंडर अपने लोग अच्छा रहा ना, जॉर्जियन कैलेंडर पर डिपेंड नहीं करता है, ये अपने चांदों पर डिपेंड करता है, जो किस दिन मनाया जाता है महाशिवरात्रि, माघ महीने के चतुर्दशी को। वैसे माघ महीने का सॉरी चतुर्दशी तो सब महीने में आते हैं, हर महीने में चतुर्दशी हर महीने में मनाया जाता है, हर महीने में आता है, लेकिन माघ महीने का चतुर्दशी, माघ महीना तो साल में एक ही बार आता है, तो माघ महीने का चतुर्दशी सिर्फ एक बार आता है। देखिए इस दिन का आज के दिन शिव जी का लिंग जन्म हुआ था। चतुर्दशी के दिन शिव जी का लिंग जन्म हुआ था। ये कब हुआ था, देखिए जब एक बार ना ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में मतलब आपस में आपसी विवेक चल रहा था कि हम बड़े हैं हम बड़े हैं, दोनों में आपसी विवेक चल रहा था, इसके वजह से दोनों अपने आप पे पूरा उतर गए, अस्त्र शस्त्र खड़म्बर सब कुछ अपना लिए, युद्ध भी करना शुरू कर, जिससे बहुतों का हानि हुआ, बहुत जान माल का हानि हुआ। तो इस बीच में ना देवगण आते हैं, और देवगण क्या कहते हैं, मतलब शिव जी से आराधना करते हैं कि आप भी इस झगड़ा का सोल्यूशन बन सकते हैं, झगड़ा को शांत करिए। तो क्या किए शिव जी, अपने कैलाश पर्वत से उठे। आप देखिए कोई झगड़ा होता है या कुछ भी होता है तो कोई मतलब एक रोमांचक चीज आता है तो नहीं अपने लोग डिस्प्यूज होता हो जाते उसमें से। तो शिव जी अपना लिंग रूप निर्माण करके और इतना विशाल बन गए कि दोनों का नजर किसका, ब्रह्मा जी का विष्णु जी का, दोनों का नजर किस पे पड़ा, शिवलिंग पे, शिव जी ने शिवलिंग पे पड़ा, जिसका अनुमान लगाने के जिसका खोज करने के लिए विष्णु जी और वरहा अवतार, वरहा मतलब समझे सुअर अवतार अपनाए और उसके जड़ तक जाना चाहे, लेकिन आनंद था, पता नहीं था कि कहां तक है। अब विष्णु जी हंस का रूप अपनाए और उसके ऊपरी छोर तक चले गए, लेकिन पता नहीं चला कि कहां गए, कहां से आए, कुछ नहीं पता चला। तब जाकर दोनों ने नमन किया और वो जो शिवलिंग बना था ना, इस शिवलिंग पे ये ऐसे शिवलिंग पे साइन होता है ना, इसको मतलब अरवर और खर के नाम से शायद जाना जाता है, मतलब अग्नि और पताल आकाश इस टाइप से होता है। तो फर्स्ट दिन फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि इस दिन शिव जी का लिंग जन्म हुआ था। दूसरा पॉइंट है कि शिव जी का पहला ब्याह सती के साथ हुआ था, पार्वती जी के साथ नहीं, सती के साथ। तो सती के पिताजी जो थे दक्ष महाराज जी, तो यज्ञ किए थे उसमें सती को नहीं, मतलब शिव जी को सती को इन्वाइट नहीं किए थे, लेकिन सती जी उसके बावजूद भी गए तो वहां उनका अपमान हुआ, जिसके वजह से क्रोध में आकर के उन्होंने अग्नि अपना लिया और खुद भस्म हो गया। तो शिव जी उसके बाद मतलब सारा कुछ जो हुआ वो तो अलग एक कहानी है। तो सती के मरने के बाद एक असुर आता है, वो असुर ना ब्रह्मा जी को खुश करके वरदान पाता का कि अब तो शिव जी मतलब शिव का वर्ग नहीं रहा, आप कहीं भी आप किसी भी मुनि ऋषि या राक्षस का तपस्या देखेगा तो सब ना अमर वरदान मांगता, अमर वरदान किसी को नहीं दिया जाता था, उसको कुछ अलग स्पेशल वरदान दिया जाता था। फिर आप क्या मानता है कि मेरा भाग शिव जी के बेटे के हाथ हो। अब शिव जी का तो पत्नी मर गया था, उस टाइम पे बेटा भी नहीं था, तो उसका हाथ होगा कैसे।
तो सती जो मरी थी ना वो पार्वती के रूप में यानी कि नैना के रूप में जन्म ली थी। पार्वती जी शुरू से ही लिंग पूजन में परिपूर्ण थे। अब सब देवगण भी ऋषि भी ब्रह्मा जी चूंकि उस राक्षस को श्राप भी दिए थे कि शिव जी के बेटे के हाथ ही तुम्हारा मृत्यु होगा, तो ब्रह्मा जी तो जानते थे। तो ब्रह्मा जी नर जी पूरी कोशिश किए कि मतलब पार्वती जी का शादी शिव जी के साथ हो जाए। अब फाइनली हुआ भी। वो दिन क्या था, माघ महीने का चतुर्दशी दिन था, उस दिन शिव जी और पार्वती जी का ब्याह हुआ। दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है जब देव और दानव के बीच घोर संहार हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, तो उस टाइम पे मतलब एक के पास, दानव के पास संजीवनी था और देव के पास कुछ भी नहीं था। संजीवनी किसके वजह से आया था दानव के पास, शुक्राचार्य जी के बदौलत, और देव के पास कुछ भी नहीं था। तो देवों ने क्या चाहा कि हम भी कुछ अमृत अपना लें। तो दोनों ने मिलकर, देव और दानव दोनों ने मिलकर क्या किया, समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन तो सबको पता है, समुद्र मंथन से बहुत सी चीज निकले, बहुत सी चीज निकले, उसी में विष भी निकले समुद्र मंथन से। अब जो कुछ निकला तो दानव भी अपनाते थे, देव भी अपनाते थे, लेकिन विष जो निकला तो नहीं दानव अपनाया नहीं देव अपनाया। तो अब उस विष से क्या हुआ, जीव जंतु का जानवर होने लगा, मतलब लोग मरने लगे, पशु पक्षी भी मरने लगे। तो सब देव जाकर फिर शिव जी को प्रार्थना करते हैं, मनाते हैं। तो शिव जी ने उस विष को अपना लिया, पी लिया। वो भी दिन क्या था, माघ महीने का चतुर्दशी। तो ये क्या है, टोटल आध्यात्मिक बात है कि माघ महीने का चतुर्दशी दिन हम शिवरात्रि मनाते हैं, इतना बात हो गया। और साइंटिफिक बात देखिए, माघ महीने के चतुर्दशी के दिन भक्तगण पूरी रात जग के श्रद्धा के साथ ये करते हैं। क्यों, देखिए ये साइंटिफिक पॉइंट जानते हैं, वैज्ञानिक पॉइंट जानते हैं। जो चांद का पूनम होता है ना, उस टाइम पे क्या होता है, देखिए अपना पृथ्वी ना ऐसे टेढ़ा है, ये सर्कल की तरह है ना, तो ऐसे बीच से रेडियस होगा तो आप क्या समझेंगे, तो सीधा है, लेकिन सर्कल का रेडियस ना जो भूमध्य रेखा है वो ऐसे है, तो देखिए ये थोड़ा टेढ़ा होगा ना, तो ऐसे टेढ़ा है अपना पृथ्वी। और इसके ऊपर मतलब चारों तरफ क्या मंडराता है, चंद्रमा मंडराता है। तो इस टाइम पे चंद्रमा डायरेक्ट ऊपर होता है। अब चंद्रमा डायरेक्ट ऊपर आएगा तो ग्रेविटी के कारण, गुरुत्व बल के कारण क्या होगा, जो समुद्र का पानी होगा या फिर जो और भी चीज होगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर अट्रैक्ट होगा। इसलिए ना हमारे मतलब श्रेष्ठ भी कहते हैं, हमारे मम्मी पापा भी कहते हैं कि उत्तर और दक्षिण की तरफ अपना सर करके नहीं सोना है। क्यों, इस सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ तक, माइंड तक जाता है, जो न्यूरॉन्स को क्लोज करता है, मतलब वर्क करना ही बंद कर देता है। ऐसे में क्या होता है, इंसान का डेथ हो जाता है, समझे। तो सब कुछ ऊपर जाना सोचा, ऊपर क्या होता है, ऊपर ही तो उत्तर है, उत्तर तो ऊपर ही है ना, तो ये सब कुछ ऊपर जाना शुरू होता है। अब देखिये ठंडी के महीने में पानी का ज्यादा वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन नहीं होता है, समुद्र में पानी जमा रहता है। इस टाइम पे ना समुद्र का पानी भी जब जमा है, ये ज्वार जो आता है, ज्वार क्या होता है, यही जो चंद्रमा आया पानी का लेवल उठा उसी को ज्वार कहते हैं। तो इसी ज्वार की वजह से सब कुछ ऊपर उठने का कोशिश करता है, हमारा क्रिएटिव भी, हमारा ग्रोथनेस भी, हमारे थिंकिंग ऑफ क्वालिटी भी, सब कुछ ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से भक्तगण चतुर्दशी के माघ महीने के चतुर्दशी के रात को शिवरात्रि मनाते हुए पूरे रात जगे रहते हैं। देखिए सोएंगे तो बॉडी का हर एक पार्ट ऊपर उठने का कोशिश करेगा, हर एक सेल्स, हर एक ब्लड का सेल्स, सब कुछ। लेकिन जब जगे हैं ऐसे स्टैंड मोड में या फिर सिटिंग मोड में है तो सर हमारा ऊपर है, दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ सर ऊपर है। तो हमारा क्रिएटिविटी जो है ना, थिंकिंग ऑफ क्वालिटी, ये थोड़ा ज़्यादा ग्रो होता है। तो एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि हम लोग इस दिन को महाशिवरात्रि मनाते हैं, पूरी रात जग के मनाते हैं खूब धूमधाम से। जहाँ से कोई अब कन्फ्यूजन में नहीं ना कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, अब कोई पूछेगा शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, तो आज के दिन तीन तीन कांड हुआ था, शिव जी का शादी, शिव जी का लिंग जन्म, शिव जी का विष पीना, तीन तीन चीज हुआ था। अभी तो जब लेट जाएंगे या सो जाएंगे तो अपने शरीर का हर एक सेल्स, हर एक ब्लड का सेल्स ऊपर उठने का कोशिश करेगा। और जब जगे रहेंगे ना, स्टैंडिंग मोड या सिटिंग मोड में रहेंगे, तो क्या होगा कि ये जो सर है ना, यहाँ का जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स ही ना थिंकिंग ऑफ क्वालिटी ग्रो करता है। तो न्यूरॉन्स क्या होगा, ज्यादा क्रिएटिविटी बढ़ाएगा तो अपना थिंकिंग ऑफ क्वालिटी भी ज्यादा होगा। अब देखिए कोई भक्त गण रात भर बैठ कर तो मतलब नहीं रह सकता है, जग तो नहीं सकता है,
तो अपना उत्साह बढ़ाने के लिए क्या करता है, प्रोग्राम हो जाता है या दो दर्शक होता है या कोई कथा होता है, कथा बैठ के सुनते हैं। तो समझ गए, तो कल क्या है, महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई आप सबको। थैंक यू।